हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हमारे जिलाध्यक्ष विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पदम दहिया जी, कर्णदेव कंबोज जी, हमारे भाई राजकुमार श्यामड़ी जी, ओम बीरवत्स जी, गांव के तीनों सरपंच नरेश सरपंच श्यामड़ी जी, उमेश सरपंच जी, रामपुर सरपंच जी, हमारे भाई उमेश शर्मा जी, भाई रोबिन खोखर जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, दर्शन जी, कृष्ण जी, जिले सिंह पहलवान जी, सुरेश जी, वह मेरे पिता तुल्य गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों व मातृ शक्ति सबको मेरी राम राम। और गणित बात आप उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बताओगे, अमताज आप वोट की अपील करना रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेना रहे हैं, अपना आशीर्वाद दियो, 3 तारीख ने दियो, कमल का निशान का बटन दबा गए, आप तक आपके सामने ये विनती है, अनुरोध है। और ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का, ये बरौदे हल्के के विकास का चुनाव है। आप बस एक चीज देखो कि बरौदे हल्कों को हमने जो रफ्तार बोई है वो 4 साल तक रुकने नहीं देनी है। बीजेपी और जेजेपी पार्टी दोनों पार्टियों का मैं 7 जगह उम्मीदवार हूं, पहलवान नहीं करी, जब तक भी 7 जगह था सारे देश का था, आज आपके बीच में 7 जगह उम्मीदवार बनकर आया हूं, और साथ ली चीज में सबका ऐसा है। आप तो ये विनती है, जो अर्जुन ने मछली की आग दिखा थी, आपने भी 3 तारीख ने वैसे कमल का निशान दिखना चाहिए, कमल का फूल दिखना चाहिए। हम आपके बीच मारे हैं, इरादे लेगा कुछ अच्छे काम करने के इरादे लेगा, वादे लेगा जो सच करेंगे, और वे भी हैं। बरौदे हल्के में 2 कॉलेज दिए हैं हमारी गठबंधन सरकार ने, यूनिवर्सिटी दी है जनता बुटाना, IMT दी है, 2 राइस मिल दिए हैं, और 4 साल है मतलब के क्या आना है, वो आपके हाथ में, आपके खिलाना चाहो हो। इस चुनाव किरण भूमि में, इस माँ भारत में सबके माप हो, भीम अर्जुन नकुल से देव कृष्ण सबके माप हो, हम आपका आशीर्वाद लेना रहे हैं। और पूरी हमारी सरकार, दोनों पार्टियों के बड़े नेता आपके आगाज नतमस्तक हैं कि आप अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे दो, और मैं किसी एक का नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान की हर माँ का मैं बेटा हूं। जुगर मैं आप तक विश्वास दिला हूं, जैसे हमने पहलवानी में सच्ची आत्मा था, सच्ची लगन था, पहलवानी करी, देश का नाम कराया, उसी लगन से, उसी निष्ठा से आप लोगों की मैं सेवा करूंगा। राजनीति में आने बस एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की सेवा करूं। पुलिस की नौकरी छोड़कर 10 साल पुलिस की नौकरी की थी, SP बन जानते, पर यहाँ की तो समस्या पुलिस में रहते हुए दूर नहीं हो सकती थी, चाहे वह शिक्षा की हो, चाहे वह खेल की हो, चाहे वह पानी की हो, बिजली की हो, और पिछले 1 साल में हमने कोशिश करके बहुत सी चीज दूर करी भी है। और आप अपना आशीर्वाद देकर एक बार मन विधानसभा भेज दो, फिर काम की रेल में अपने आप बना दूंगा, शताब्दी हो ना रेल, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह काम काम होंगे। ज्यादा बात तो अपना हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बताओगे, बस अमताज आप तो यही है, जोड़ी फैलागा, आपका आशीर्वाद लेना आए हैं, आपका सेवक बनकर रहूंगा, आपकी पगड़ी ना हमेशा सिराख्या पर रखूंगा। मैं चाहूंगी आगे बच्चे हैं जो हमारे भाई हो बहन हो, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने, हम देख सोच लेगा आए हैं, विपक्षी द्वारा कोई सोच नहीं है ना कोई इरादा है, उन तरफ से एक का सोच है, कुर्सी की सोच, वे चाहूँ अपनी कुर्सी, उनकी कुर्सी बची रहे, और हम चाहूँ कि हमारे हर युवा रोजगार मिले, उस सोच के साथ हमारे हैं। और एक मौका दो आप अपने भाई ने, अपने बेटे ने, 4 साल पास सिलेक्शन है, जब मैं आपकी उम्मीद अब खड़ा नहीं उतरूँ, बदल लियो क्या हो गया कि 12 साल में थोड़ा होगा, बस 14 साल का टाइम मांगा है हम आप पर। आप तो आज विनती करने आए हैं, अपने बेटे ने अपने भाई ने आशीर्वाद दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अपने बीच में जेजेपी के भानेराम जी, अमित त्यागी जी, सुरजीत श्यामड़ी जी भी मंच पर उपस्थित हैं, और भाई अमित मलिक जी ने बहुत अच्छे से संगीत सुनाकर, सबका बोलना नहीं है, बस आपका परिचय हो गया। अमित जी ने भाई योगेश्वर के चुनाव में भी और वैसे भी पार्टी के लिए बहुत सारा भजन के माध्यम से पार्टी का प्रचार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने हरियाणा सरकार में डिप्टी CM, आप सबको पता है चौधरी
देवीलाल जी ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आपके दिलों पर वर्षों से राज किया, उन्हीं की लाइन पर चलते हुए जेजेपी पार्टी को हरियाणा प्रदेश में खड़ा करने वाले ऐसे हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करूंगा, वो आए हम सबको संबोधित करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी देवलाल हमारा है। बहुत ही आदर व सम्मान के योग शामड़ी गांव के इस पावन धरा पर मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे तीनों सांसद जांगड़ा जी, अरविंद शर्मा जी और आपके सुख दुख के साथी रमेश कौशिक जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आपके भावी विधायक और आपके बेटे आपके भाई भाई योगेश्वर जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी मोहनलाल जी, हमारे बीच में मौजूद दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायकगण और गांव के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बखूबी आपको बताया कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में आगामी 3 तारीख को दुष्यंत चौटाला वोट अपील कर रहे हैं साझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए। साझा उम्मीदवार और साझी ताकत के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं। उनसे कोई पूछनिया हो कि 31 थारे थे, श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, 30 हो गए, 30 के 31 कर लोगे तो राज कैसे पलटेगा? और तो और एक पार्टी का एक ही विधायक दल है, वो भी कहते हैं हम जीत जाएंगे राज पलट देंगे, और एक तो दो होया करते हैं, एक और एक 46 तो नहीं होंगे। और मुझे याद है पिछले साल 27 अक्टूबर को राज बना था, जब विपक्ष में बैठे लोग कहने लगे थे ये तो एक महीने में सरकार गिर जाएगी, ये सरकार तो 100 दिन में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी, साल में गिर जाएगी। साल भी पूरा हो गया और राज भी मजबूती के साथ हरियाणा के विकास के लिए हम मिलकर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपको इतना बताना चाहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा आपके बीच में आकर कहते हैं मैं थारा हूं, कहते हैं नहीं कहते बाबू बेटा दोनों, बारी बारी एक चीज कहते हैं, थार ले यह कर दिया, थार ले यह कर दिया, हिसाब नहीं देंगे क्या किया। मैं तो आपको इतना बताना चाहूंगा साल के अंदर हमने बड़ौदा के लिए क्या किया, लगभग 42-43 करोड़ की तो आपके यहां सड़कें मंजूर हुई, 60-65 करोड़ का पंचायतों का काम हो, 2 कॉलेज आए, जनता स्कूल और कॉलेज वालों की मांग थी हमें यूनिवर्सिटी में बना दिया जाए, सरकार ने उस मांग को भी मंजूरी दी, खेलों के स्टेडियम मंजूर हुए, व्यायामशालाएं आई। बुजुर्गों, युवा साथियों, यह विकास होता है। मैं तो कहता हूं जितना हमने एक साल में कराया है अगर दोनों बाबू बेटा उसका हिसाब दे दे, 10 साल में भी इसके बराबर कराया। बाबू बेटों का तो विकास होता था, ग्वांड है, भाईचारा है, वोट तो सोनीपत के ले लो और काम करे कड़े कलोई में, रोहतक लोकसभा में।
आज ये हालत है, कलोई से सड़क बड़ौदा में आती है, चार लेन से दो लेन की हो जाती है, दो लेन से एक लेन की हो जाती है। स्टेडियम बनाए कहां? रोहतक में। फैक्ट्री लगाई कहां? रोहतक में। विकास किसका किया? रोहतक का। और वोट मांगने के लिए थारा हूं, थारा हूं। मैं तो एक चीज पूछ लेता हूं, इतना मारा थारा करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, ये तो मनोहर लाल जी ने भी कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दोनों बाबू बेटों से हरियाणा नहीं बोला जाता। सुन लियो वीडियो, आज भी कहते हरियाणे, जिन लोगों से हरियाणा प्रदेश नहीं बोलता जा सकता वो के हरियाणा के विकास की सोचेंगे। आज किसान की बात करते हैं, लोकसभा में एक बार बोलने का मौका मिला, वो तो स्वर्गीय सुषमा जी ने जवाब अच्छा दिया, दो फुट का आलू गा के आ गया था। आज हम जब प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बुजुर्गों युवा साथियों, ये बारी बारी कहते हैं स्टेयरिंग मेरे हाथ में, स्टेयरिंग मेरे हाथ में। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने स्टेयरिंग समेत गाड़ी आज रणदीप के हाथ में दे दी, दी नहीं दी? और वो भी गाड़ी लेके कड़े भाग गया बिहार और छोड़ गया दोनों को यहां आपके बीच में। और ये गारंटी है वो छोटा मोटा स्टेयरिंग का कोई अभी भी हाथ लगा हुआ बचेगा, इस बड़ौदा में योगेश्वर को जिता दो, वो स्टेयरिंग और चाबी सब समेत पूरी गाड़ी सोनिया रणदीप के हाथ में दे दे। मगर इसके लिए अगले 100 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो यही प्रार्थना विनती आपसे करता हूं कि आप अपना भविष्य लिख रहे हो। आज चार साल राज में हिस्सेदारी अगर आप मजबूती के साथ डालोगे तो विकास किसका होगा? बड़ौदे का होगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कहता है मेरी पहुंच भूपेंद्र हुड्डा तक है, दीपेंद्र हुड्डा तक है। बुजुर्ग युवा साथी है तो फिर अपनी पहुंच और सोच उसने दिखाने का काम कर दिया कि उसकी पहुंच कोई फिर दिल्ली चंडीगढ़ तक नहीं है, रोहतक का कौन सा है वो गांधी पार्क, डी पार्क, उसकी पहुंच तो डी पार्क तक है। मगर हमारा उम्मीदवार अगर योगेश्वर की बात करे तो आज अगर राष्ट्रपति से कोई काम हो तो इसको कोई राष्ट्रपति भवन जाने से रोकेगा? प्रधानमंत्री से काम हो तो देश के लिए इतने गौरव प्राप्त करे हुए हैं कि प्रधानमंत्री के पास भी जाने से कोई नहीं रोके। और राज्य में हिस्सेदारी दे दोगे तो यह वादा मनोहर लाल जी और मेरा है, झंडी भी लगा कर देंगे, जिम्मेवारी भी लगा कर देंगे और बड़ौदा का विकास कराने की ताकत भी देने का काम करें। मगर इसके लिए बड़ौदा वासियों को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई रूसा हुआ है, कोई घर बैठा है, कोई कांग्रेस में बैठा है और भाई कोई लोकदल में या वो ऑटो वाली पार्टी में वोट खराब कर रहा है, उसने भी समझाओ एक एक वोट की कीमत है और एक एक वोट जब तक योगेश्वर के पक्ष में 3 तारीख को गठबंधन को कमल का फूल दबाकर आप देने का काम नहीं करेंगे, जब तक प्रदेश के अंदर बड़ौदा की अलग पहचान आप नहीं बना पाएंगे और इस युवा साथी को जिता दोगे तो यह गारंटी है, जैसे इसने विदेशों के अंदर देश का नाम रोशन करने का काम किया, तिरंगा अलग अलग जमीन पर फहराने का काम किया है, जब आप इसको विधानसभा में भेजने का काम करोगे तो प्रदेश के अंदर बड़ौदे का नाम भी यूं ही रोशन करने का काम करेगा। मैं तो यही आग्रह अपील करने आपके बीच में आया था और उम्मीद करता हूं एक एक ग्रामवासी आज से मंडेगा, जुटेगा और योगेश्वर को एक नई ताकत देने का काम करेगा। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साझा उम्मीदवार बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील की। एक एक ग्रामवासी से वोट अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप योगेश्वर दत्त को जिताने का काम करें, कांग्रेस का बोरिया बिस्तर पहले ही सिमट चुका है,
और गाड़ी स्टीयरिंग का वो जहां पर भी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं और दिखा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आपसी फूट जो कांग्रेस में है वो उभर कर सामने आ रही है, जो खुद ही एक नहीं वो बड़ौदा के लिए क्या काम करेंगे। वोट अपील करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि योगेश्वर दत्त को जिताए, आपका काम हो रहा है और आगे भी इसी तरह से बड़ौदा में विकास के काम किए जाएंगे। भाई मोहन लाल जी ने जय तो बुलवाई लेकिन कभी मजा सा नहीं आया। जरा आपका गले का कितना जोर है अजमायश आप करके दिखाओ जरा। भारत माता की, थारी आवाज तो करनाल तई पहुंची है, पहुंचाणी की तय चंडीगढ़। योगेश्वर भाई को, योगी पहलवान को हमने चंडीगढ़ भेजना है। भारत माता की जय। ये भी जीरकपुर रैली। भारत माता की पहुंच गई चंडीगढ़। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हरियाणा के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, इस इलाके के आपके सांसद भाई रमेश कौशिक जी, सांसद करनाल से भाई संजय भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष और विधायक हमारे राई के श्री मोहनलाल बड़ोली जी, एक्स एमएलए श्री पदम सिंह दैया जी, श्री उमेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, राजकुमार शामड़ी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, शकुंतला शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, ओमवीर वत्स जी, तीनों गांव के हमारे तीनों सरपंच भाई नरेश जी, भाई उमेश जी, श्री रामफूल जी, रोबिन खोखर भाई, दलवीर खोखर जी, बहुत से नाम लिखे हैं, सारे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, लिखे हुए बिना लिखे हुए सभी जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, शामड़ी गांव बहुत एक ऐतिहासिक गांव है। जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां की विशेषता को पूछते हैं तो मुझे बताया कि यह क्रांतिकारियों का गांव है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते समय 1857 में इस गांव के बहुत लोग शहीद हो गए थे। उन शहीदों की कहानी चाहता तो मैं बाद में अपनी बातचीत में बाद में सुनाना चाहता था, लेकिन गांव के साथ जुड़ गई और यह गांव की मिसाल, मैं समझता हूं उस मिसाल के कारण से ही हमको आज के दिन याद भी बनी रहेगी कि कितनी एकता इस गांव में है। मुझे बताया गया कि उस समय 1857 की कहानी में इस गांव में 11 शहीद हुए थे और उन 11 शहीदों में जब उनको फांसी चढ़ाने लगे, अंग्रेज सरकार ने फांसी चढ़ाए, तो उसमें कुदरती 10 जाट थे और एक ब्राह्मण था। फांसी टूटने से पहले आपस में इकट्ठे हुए और जब पूछा जाता भाई थारी आखिरी इच्छा बताओ क्या है, तो सबने मिलके, 10 ने मिलके कहा कि भाई ये मेरा ब्राह्मण दादा है, हमने 10 ने फांसी तोड़ दो, इसने छोड़ दो। ये इस गांव का इतिहास है। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती, इससे आगे उस ब्राह्मण भाई ने कहा कि भाई 10 ने अगर फांसी तोड़ो हो तो पहले मैं टूटूंगा, बाद में 10 टूटेंगे। यह है शामड़ी गांव का इतिहास। आज से 150 साल, 100 यानी
43 साल पहले की बात है, 163 साल पहले की बात है। एकता में बड़ी ताकत होती है, मजबूती होती है। एक घटना आज के दिन से और जुड़ी हुई है। वैसे तो आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का भी जयंती है। आज सवेरे हम 2-3 जगह उनकी जयंती के कार्यक्रम में मैं गया था और होके आए हैं। आज का दिन शरद पूर्णिमा का भी दिन है, एक त्योहार शरद पूर्णिमा। महिलाएं बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं कि आज के रात खीर बना के खुली छत पर रख दो तो चांद की जो किरणें पड़ती हैं ना, उसके कारण से उसमें बहुत ताकत मिलती है, अगले दिन सवेरे उसको खीर को खाते हैं। हम तो बचपन की याद है, हमारी दादी खिलाया करती है हमको। और आज का दिन हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, जो सबसे पहले गृह मंत्री बने थे, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी जन्मदिन है। और वो ऐसे गृह मंत्री हुए हैं, देश की आजादी तो आ गई थी लेकिन ये देश 550 रियासतों में बटा हुआ था। इन सब रियासतों को अंग्रेज ने छूट दे दी कि आप चाहो तो अलग अलग रियासत आजाद हो जाओ। अगर 560 रियासतें अलग अलग आजाद हो जाती तो एक एक जिले की रियासत होती, एक एक जिले का अपना राजा था, वही अपनी सरकार बनाता, देश एक नाम से तो रहता नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, मैं इन सब राजा महाराजाओं को इकट्ठा करूंगा और मैं इनको कहूंगा सब एक हो जाओ, अपना देश एक है और देश के साथ मिल करके भारत के संविधान के अंतर्गत आ जाओ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया, सब रियासतों को मना लिया कि भारत का एक संविधान होगा, एक सरकार होगी, एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। यह अलग बात है कि 3 रियासतों ने थोड़ा अणकसी दिखाई, जिसमें एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी तरीके से मना लिया, उनकी पूंछ हटी, कुछ भी किया लेकिन करा के मना लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गठसी नहीं थे पंडित नेहरू ने, वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही। अब तक भी धारा 370 लगी रही और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया, जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय कमी पूरी नहीं कर पा रहे थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। एक साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं, कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। किसानों को कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं MSP खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें MSP पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं MSP कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में, मैं तो यहां तक कहता हूं कि MSP खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि भारत को पानी भी आओगा, भारत को अनाज की जब जरूरत होती है सरकार को, ये जो PDS की दुकानें हैं, राशन की दुकानें, इस पर राशन मिलता है ना? किस भाव मिलता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, यही रेट है ना?
कितने लाखों टन ये राशन जो है बढ़ता है। अब ये लाखों टन राशन अगर हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे एमएसपी पर, तो ये राशन कहां से आएगा? और राशन तो बांटना ही बांटना है। जैसे राशन बांटना बंद नहीं हो सकता, ऐसे ये एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट भी बंद नहीं हो सकती। हां, किसान को पहले एक दुकान थी बेचने के लिए सरकारी मंडी, अब उसको दो रास्ते दिखा दिए कि एमएसपी पर तो यहां बेच लो, ज्यादा भाव बिके तो बाहर बेच लो। किसान को छूट दी है कि नहीं दी? अगर ज्यादा भाव उसको किसान को मिलेगा तो किसान बाहर जाके बेचेगा कि नहीं? और बाहर एमएसपी से कम मिलेगा तो वहां बेचेगा क्या? कहां आएगा? मंडी में आएगा। अब इतना सा सरल सिस्टम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जिसको इन्होंने पता नहीं क्या क्या हुए दिखा दिए, अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, लूट के ले जाएगा, और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, खेती में आमदन कैसे बढ़े? हम लोगों ने कहा किसानों की जो आमदन है, फसल बिक्री होती है, वो हम आढ़तियों के खाते के बजाय किसान चाहेगा तो उसके खाते में सीधा भेजेंगे। हमने जिन्होंने कहा आढ़ती को दो दो दे दी, बाकी सब किसानों को भेजिए, किसान के खाते में पैसा आया है। यहां कोई दो चार किसान बैठे हो जिनके खाते में पैसा आया है तो जरा बताओ, इतने सारे किसान करे हमारे खाते में सीधा पैसा आया। अनाज किसान का है, बिक्री करके पैसा किसान को मिलना चाहिए, किसी के थ्रू क्यों आएगा? किसी और को देंगे फिर वो आपको देगा, काटा पिटी करेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तो ब्याज उसका लगाएगा 24%। क्यों? किसान को बैंकों से 0% पर ब्याज पर, 0% ब्याज पर हम लोन देते हैं, उसको कर्जा 0% और मिलता है। एमएसपी को किसी ने अगर खत्म किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कैसे खत्म हो सकती है एमएसपी? एमएसपी पर एक बार फिर किसानों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट अपील करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जिन्होंने शामड़ी को क्रांतिकारियों का गांव बताया और कहा कि एक बार फिर आपको अपना नेता चुनना है, योगेश्वर दत्त को जिताना है और चंडीगढ़ पहुंचाना है। किसानों को लेकर खुलकर यहां पर बोल रहे हैं अभी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इन्होंने कहा कि किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले गए, एमएसपी पर इनकी फसलें बिक रही हैं, मंडी व्यवस्था कायम और कहीं जुड़ने से नहीं है। तो के नाते चाहे वो पंचायती काम थे, बिजली के काम थे, पानी के काम थे, नहरी पानी के काम थे, ऐसा मेरा दावा नहीं कि सारे हो गए होंगे, लेकिन जितने काम हमारे से पहुंचे हैं उसकी योजना सबकी बन गई है। अभी एक भाई कह रहा था यहां नहरी पानी, नहरी पानी की कमी है तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि ये गेंद 3 तारीख तक तो थारे पाड़े में, और थाम अपना काम कर दो 11 तारीख के बाद किसके पाड़े में? किसके पाड़े में? मारे पाड़े में। ये 11 तारीख के बाद मारे पाड़े में है। आपकी समस्याओं की तो यहां के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना, 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेवारी है। यहां का विधायक भला आदमी था लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, कभी हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है कि लोई भी ये भी ये काम करावेगा, और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं? तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा, काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। तो यहां जो कांग्रेस के पहले विधायक थे उन्होंने बड़ौदा की समस्याओं को सरकार तक, अगले विधायक की बात करते हैं तो मैं तुलना करता हूं हमारे योगी भाई की और वो जो क्या नाम कांग्रेस का, भालू, ठीक नाम तो कोई बताता ही नहीं, बेरा ही कोई नहीं, अरे बता दो भाई कुछ तो होगा, ठीक है, इंदुराज। अब तुलना तो करनी पड़ेगी ना। एक तरफ हमारा योगी भाई जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है, देश का भी प्रदेश का भी,
हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी, दुनिया जान गई है कि हाँ ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलां जगह करने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीत का सिरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। इसलिए हम लोग 3 तारीख तक जो कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है, आसपास के पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, इनको समझाओ। और जो शहीदों की एकता की बात मैंने सुनाई है ना, उसी एकता का स्वरूप मन में ला करके हर एक के कहो। पहलवान की कोई जाति पाति नहीं होती है। मैं एक किस्सा सुनाया इनका, झज्जर के एक नौजवान थे बजरंग पुनिया, वो इनका शागिर्द था, उसको सिखाया, देश में विदेश में जाकर के उसने भी कई मेडल जीते, शायद 5-6 करोड़ रुपए इनाम जीत गया। बजरंग पुनिया की जात इसने तो नहीं पूछी। तो अपने साथियों को जो आदमी इतना आगे बढ़ाता है तो अपनी जनता को भी दिन रात काम करने के लिए आगे रहेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि ये चैन से नहीं बैठेगा। अपने सब जो मंत्री हैं यहां के, कोई काम होंगे उनके पास ले जाएगा, और ये चैन से बैठेगा तो मैं नहीं बैठने दूं। वो तो हमारे दुष्यंत जी ने कह दिया, अब उन्होंने कहा तो मैं कोई बात मोड़ूंगा थोड़ी। भाई आप 11 तारीख ने चंडीगढ़ भेज दो, झंडी लाने का काम हमारा। मित्रों, कहने को बहुत बातें हैं लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहां का विधायक भाई योगेश दत्त पहलवान को बनाओ।